Slum for kids, for kids. Aao, bacho. Slum for kids, for kids. Aao, bacho. Seekhe is kids. Seekhe is kids. Slum for kids. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بريا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله प्यारे बच्चों और किड्स मदनी से नाज़रीन एक बार फिर आपके सामने प्रोग्राम लेकर हाजिर है जिसका नाम है इस्लाम फॉर किड्स। प्यारे बच्चों हम आपको अपने प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स में खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में होते हैं कुछ इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट्स। प्यारे बच्चों आइए अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं दुरूद पाक की फजीलत से। फरमान आख नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। सुभान अल्लाह सल्लु अला अल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों अपने पहले से अपनी जानिब बढ़ने से पहले आज का सवाल मैं दे देता हूँ। आज का सवाल है कौन से नबी अलैहिस्सलाम लोहे को हाथ में लेते तो वो मून की तरह नरम हो जाता। बच्चों अब बढ़ेंगे हम अपने पहले सेगमेंट जानिब। इसका नाम है मदरसत मदीना ऑनलाइन। Islam for kids, for kids. Islam for kids. प्यारे बच्चों हमारे सेगमेंट मदरसत मदीना ऑनलाइन में हमारे साथ मौजूद हैं कारी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं कारी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं प्यारे जाजान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी कारी साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन आप सबको भी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। كيف حالكم؟ الحمد لله رب العالمين على كل حال। सबकी आवाज आनी चाहिए, सबकी आवाज नहीं आई। अब्दुल मन्नान भाई, मोहम्मद मन्नान भाई की भी आवाज आए और हसनैन भाई की भी आवाज आए, साइम भाई की भी आवाज आए, दानियाल भाई की आवाज आई थी। كيف حالكم؟ الحمد لله رب العالمين على كل حال। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन ऐसे ही जोशो खरोश के साथ अच्छे अंदाज के साथ कुरान पाक तजवीद व किरात के मुताबिक पढ़ना है, सीखना है, समझना है। मेरे आका अलैहिस्सलाम कुरान पाक को पढ़ने पढ़ाने वालों के मुतालिक, सीखने सिखाने वालों के मुतालिक फरमाते हैं قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे और उसे सिखाए। सुभान अल्लाह। तो कुरान को सीखने वाले बन जाएं, सिखाने वाले बन जाएं। अच्छा सिखाने वाले कब बनेंगे? जब हम सीख लेंगे। तो पहले तो सीखना है, तो आप सीखने वाले बन जाएं। जब आप अच्छे अंदाज से सीख लेंगे प्यारे बच्चों, तो एक वक्त आएगा आप जब बड़े हो जाएंगे तो आप सिखाने वाले बन जाएंगे। तो अभी आपका वक्त है सीखने वाला, तो सीखने वाले बन जाएं, सीखने वालों में शामिल हो जाएं। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो बेहतरीन लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तो बेहतरीन लोगों में आप भी शामिल हो जाइए और कुरान पाक को अच्छे अंदाज से सीखने वाले बन जाइए। कुरान पाक को अच्छे अंदाज से पढ़ना है और इसी तरह आगे बढ़ना है। माशाल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन आज हम सूरह यासीन की आयत नंबर 75 कौन सी आयत है दानियाल भाई? 75 वो तो उर्दू में क्या है? उर्दू में याद नहीं आ रहा। अच्छा कौन बताएगा छोटे बच्चों में से? जी साइम भाई को भी याद है, हसनैन भाई को, हसनैन भाई बताइए। 75। जी 75। जोर से 75 और जोर से 75। 75 साइम भाई क्या कहते हैं, कौन सी आयत है? 75। 75 अब्दुल मन्नान भाई 75। इंग्लिश में क्या कहेंगे? 75। आपके बराबर में कौन है? मुज़म्मिल भाई। जी मुज़म्मिल भाई माइक, अच्छा माइक में तो बोले साइम भाई। जी 75। अब मोहम्मद मन्नान को दीजिएगा। जी मन्नान भाई
75. और इंग्लिश में? 75. अच्छा, आपके पास माइक है ना, आपने माइक में बोलना है. उनको माइक लगे हुए हैं, जैसे हसनैन भाई और साइम भाई, तो आपको तो माइक की जरूरत नहीं, लगे हुए हैं आपको, और आपने माइक में बोलना है. अगर बगैर माइक के बोलेंगे तो आवाज नहीं जाएगी. तो जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम आयत नंबर 75 को, 75वीं आयत को पढ़ेंगे. पहला मरहला होता है तवज्जो के साथ सुनना. दूसरा मरहला होता है तवज्जो के साथ माइक में वन्नान भाई. तीसरा मरहला होता है तवज्जो के साथ पढ़ना. चौथा मरहला होता है तवज्जो के साथ सुनाना. और पांचवा और आखिरी मरहला होता है तवज्जो के साथ हदर और तरतील के साथ पढ़ना. सबसे ज्यादा आवाज देखते हैं किसकी है. पांचवा और आखिरी मरहला होता है तवज्जो के साथ माशाल्लाह. किसकी आवाज ज्यादा है? ज़ादान भाई कौन बताएंगे कि किसकी आवाज ज्यादा है? ज़ादान भाई बताएंगे. दानियाल भाई की आवाज माशाल्लाह सबसे ज्यादा रही. और सबसे छोटे भी वही है, है ना? छोटे भी दानियाल भाई और आवाज ज्यादा. देखें आप लोग बड़े हैं भाई, अन्नान भाई और साइम भाई, हसनैन भाई, तो आपकी आवाज कम नहीं होनी चाहिए. फिर हो जाए मुकाबला. पांचवा और आखिरी मरहला होता है तवज्जो के साथ माशाल्लाह माशाल्लाह. अल्लाह युबारिक फीक. जी किसका, किसकी आवाज़ ज़्यादा थी? ज़्यादा में दानियाल भाई की. अभी आप दानियाल भाई, हो सकता है आप दानियाल भाई के करीब बैठे हुए हैं, दानियाल भाई आपसे करीब हैं, तो इसलिए आपको आवाज़ उनकी आवाज़ ज़्यादा लग रही हो. दूसरों में भी आवाज़ तो निकाली है. वैसे ज़्यादा आवाज़ मुझे भी लग रही थी कि दानियाल भाई माशाल्लाह एक्टिव है थोड़े से. तो प्यारे बच्चों आप भी एक्टिव हो जाइए और मदनी चैनल के नाज़रीन आप भी एक्टिव हो जाइए. आइए बढ़ते हैं पहले मरहले की तरफ. तो तवज्जो के साथ इस आयत को तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. هلا ما شاء الله بربچو अपने अगले महरज जाने बढ़ने से पहले आज का सवाल मैं दोबारा दोहरा देता हूँ. आज का सवाल है, कौन से नबी अलैहि सलाम लोहे को हाथ में लेते तो वो मोम की तरह नरम हो जाता. प्यारे बच्चों अब बढ़ेंगे अपने अगले महरज जाने. इसका नाम है तवज्जो के साथ समझना. जी कारी साहब. जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, तवज्जो के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम सब, आप सब सुनने में कामयाब हो चुके हैं. तो आइए अब बढ़ते हैं तवज्जो के साथ समझने की जानिब. मगर समझना भी है, साथ साथ इस आयत को पहले हम पढ़ भी लेते हैं. अच्छे अंदाज से पढ़ना है, मिलकर पढ़ना है. यहाँ मौजूद बच्चे भी अच्छे अंदाज से कोशिश करेंगे पढ़ने की, और मदी चैनल के नाज़रीन आपने भी अच्छे अंदाज से पढ़ने की कोशिश करनी है. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. ما شاء الله कोशिश की मगर आगे पीछे भी नहीं होना, गुन्ने भी नहीं छोड़ने, गुन्नों की मिकदार भी पूरी करनी है. अब हम समझने की तरफ बढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पर गुन्ना हो रहा है, कहाँ पर इख्फा हो रहा है, कहाँ मद हो रही है, कहाँ पर कौन सा मखरज है, किस मखरज को कहाँ से, किस हर्फ को कहाँ से अदा करना है, उसका क्या मखरज है, क्या उसकी सिफात हैं, ये आपने समझना है और आपने जवाब भी देना है. मदनी चैनल के नाज़रीन आप भी चाहते हैं तो आप भी जवाब दे सकते हैं. आप चाहते हैं इसको आयत को पढ़कर सुनाना वो भी सुना सकते हैं. पिछली कोई आयतें सुनाना चाहें
हैं या आप अम्मा पारा में से कोई सूरत सुनाना चाहते हैं, सुनाने वाले बने, सुनाना करें, सुनाने की आदत डालें। जो बच्चा सुनाना कुरान पाक सुनाता रहेगा ना तो वही आगे बढ़ता रहेगा। अब जो सुनाएगा नहीं तो जब तक पढ़ेंगे नहीं, पढ़ लिया, एक होता है पढ़ना, पढ़ लिया, मगर आप उस्ताद को सुनाएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि आपने सही पढ़ा या गलत। तो तभी पता चलेगा जब आप सुनाएंगे, जब आप सुना देंगे, अगर गलतियाँ होंगी दुरुस्त हो जाएंगी, और अच्छा सुनाया होगा तो आपको अप्रिशिएट किया जाएगा और आपको शाबाश मिलेगी और हम सारे खुश होंगे, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला राज़ी हो जाएगा, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे राज़ी हो जाएंगे। जो कुरान पाक अच्छे अंदाज से पढ़ता है अल्लाह और उसके रसूल उससे खुश होते हैं। तो इसलिए कुरान का हुक्म है अल्लदीना आतीना हूँ किताब एतलूना हक तिलावत, जिन्हें हमने किताब दी वो जैसी चाहिए इसकी तिलावत करते हैं। तो कुरान पाक अल्लाह तबारक व ताला का कलाम है और उसका हुक्म वही है कि तजवीद व किरात के मुताबिक पढ़ें। तो कुरान पाक जब तजवीद व किरात के मुताबिक पढ़ेंगे तो अल्लाह और उसके रसूल हमसे खुश होंगे। और मेरे आका अलैहिस्सलाम एक मकाम पर इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बु अन युक्रा अल-कुरान कमा उन्ज़िला, बेशक अल्लाह पाक इस बात को पसंद फरमाता है कि जैसे कुरान पाक नाजिल किया गया है इसी तरह पढ़ा जाए, यानी इसी तरह पढ़ा जाए जिस तरह नाजिल किया गया है। तो कुरान पाक नाजिल हुआ कैसे? तजवीद के साथ। तो जब आप तजवीद के साथ पढ़ना सीख जाएंगे और सुनाएंगे तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हमसे राज़ी हो जाएगा, उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला वसल्लम हमसे राज़ी हो जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं इस आयत को समझने की जानिब। अब इस हर्फ का, इस आयत का पहला हर्फ है लाम। लाम का मखरज, लाम का मखरज थोड़ा मुश्किल है, पर देखें सबसे छोटे हैं दानियाल भाई, उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया है। इधर से मुज़म्मिल भाई का भी हाथ खड़ा हो गया। जी मुज़म्मिल भाई, आप बताइए, माइक में बताइएगा। जबान की नोक और दवाहक से सुनाया और मसूरों से अदा किया जाता है। गलती हो रही है, कौन बताएंगे? आप बताएंगे, चले हसन भाई आप बताएं। जबान की नोक और दवाहिक से सनाया तक के मसूरों से अदा होता है। आपसे भी गलती हो रही है, गौर करना। अब दानियाल भी बताएंगे, जरा गौर करना गलती क्या हुई है। दानियाल भी बताइए। जबान का किनारा और जबान का किनारा, थोड़ा रुकिएगा, आपने कहा जबान का किनारा, आपने भी, मुज़म्मिल भाई ने भी और हसनैन भाई ने भी कहा जबान की नोक, जबान की नोक नहीं, यहाँ आएगा जबान का किनारा। जी आगे बताइए, जबान का किनारा और दाहिक से सनाया तक के मसूरों से। जी हसनैन भाई ने भी कहा दाहिक से सनाया तक के मसूरे, आप भी यही कहना चाह रहे थे, मगर अब थोड़ा सा इसको दुरुस्त कर लीजिए। जबान का किनारा दाहिक से सनाया तक के मसूरों से जब टकराता है, लगता है, तो अदा होता है लाम। क्या अदा होता है? सब मिलकर बोलो, इसका मखरज क्या हुआ? जबान का किनारा, जबान का किनारा और दाहिक से सनाया तक के मसूरे, और दाहिक से सनाया तक के मसूरे। माशाल्लाह, याद हो गया आपको जबान का, लाम का मखरज। अब बताएंगे मोहम्मद मन्नान भाई, बताइए जबान का किनारा, जबान का किनारा और दाहिक से मसूरों तक, दाहिक से सनाया तक के मसूरे, दाहिक से और सनाया कितना। अब हसनैन भाई आप बताइए, जबान का किनारा और दाहिक से सनाया तक के मसूरे से अदा होगा, मसूरे क्या अदा होता है? लाम। ठीक है, अब मुज़म्मिल भाई आप बताएंगे, बताइए। जबान का किनारा और दाहिक से सनाया तक के मसूरे, माशाल्लाह याद हो गया। सैयद महारिब भाई आपको याद हो गया, बताइए। जबान का किनारा और दाहिक से सनाया तक के मसूरे से अदा होता है। जबान का किनारा, दोबारा दोहराइए। जबान का किनारा और दवाहिक से सनाया तक के मसूर से अदा होता है। दवाहिक से, दाहिक से, दोनों, दाहिक हंसने वाला एक वाहिद, दवाहिक उसकी जमा है, माशाल्लाह। इस्माइल भाई को भी याद हो गया, जरा इस्माइल भाई आप भी बता दीजिए। जी बताइए। जबान का किनारा और दाहिक से सनाया तक के मसूर से अदा होता है। माशाल्लाह, सुभानअल्लाह, ऐसे अच्छे अंदाज से याद करते रहें और आगे बढ़ते रहें। आगे बताइए, अलिफ से पहले आ गया है ज़बर, कौन सा कायदा होगा? ये तो बड़ा है इजी कायदा, सब मिलकर बता दें। अलिफ मद्दा है, माशाल्लाह इजी कायदा है, इसलिए सबको याद है, इसलिए मैंने कहा सबसे ही पूछ लिया जाए। अलिफ से पहले ज़बर आ जाए तो अलिफ मद्दा होता है। अच्छा ये बताइए, ये अलिफ है या हमज़ा, कौन बताएगा? जी ये बात पूछने की है, ये हम पूछते हैं साइम भाई, साइम भाई बताइए। अलिफ, अलिफ है, सोच लें, हमजा तो नहीं है। अच्छा अगर ये अलिफ है तो अलिफ कैसे है? ये अलिफ क्यों है भाई? ये अलिफ है ना,
तो अलिफ क्यों है, ये हमजा क्यों नहीं, ये कौन बताएगा इसका जवाब? जी हसनैन भाई बताएंगे, बताइए। कोई हरकत नहीं है इस पर, कोई हरकत नहीं है इसलिए खाली है, तो ये अलिफ है। अगर इसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश आ जाती, हरकत आ जाती, या दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश आ जाती, या खड़ी हरकत आ जाती है, जज़्म आ जाती, जो ये अलिफ नहीं रहता, ये हमज़ा बन जाता। माशाल्लाह जी, हसनैन भाई ने जवाब दुरुस्त दे दिया। सुबहानअल्लाह, माशाल्लाह, सुबहानअल्लाह, माशाल्लाह कहते रहा करें, और अपनी ज़बानों को ज़िक्रुल्लाह से तर रखा करें, और नामा अमाल में अपनी नेकियां लिखवाते रहा करें। सुबहानअल्लाह। ये बताइए, या का मखरज, या का मखरज बड़ा इजी भी है और मुश्किल भी है। जिन्होंने याद कर लिया उनके लिए आसान, और जिन्होंने याद नहीं किया उनके लिए हो गया है मुश्किल। तो देखते हैं कौन बताना चाह रहे हैं, किससे पूछें? सैयद हमज़ा से पूछते हैं। सैयद हमज़ा बताइए, ज़बान के दरमियान और तालू के दरमियान से अदा होता है। सोच लें, सोच लिया पक्का? अच्छा जी, क्या नाम है अपना? मोहम्मद मन्नान, आप क्या कहते हैं? सैयद हमज़ा के दरमियान से और तालू के दरमियान से अदा। तो इन्होंने भी यही कहा, आपने भी यही कहा, पक्का? कितने हरूफ निकलते हैं? सैयद हमज़ा बताइए। तीन। कौन कौन से? जीम, शीन, या। इन्होंने क्या जवाब दुरुस्त दिया? जी जी। और माशाल्लाह सैयद हमज़ा का जवाब दुरुस्त है। सुबहानअल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह युबारिक फीक, आमीन आमीन। अच्छा ये बताइए, यस्ततीउन में सीन की अदायगी, सीन का मखरज क्या है? सीन का मखरज, सीन का मखरज सोच रहे हैं जी। दानियाल भाई बता दीजिए। जबान, जबान की नोक और ऊपर नीचे दोनों दांतों के अंदरूनी किनारों से। अच्छा इसमें जबान की नोक आएगी, सोच लें जी। जबान की नोक आएगी जी, क्या कहते हैं फिदाउर रहमान भाई? जबान की नोक आएगी जी, नोक आएगी। आएगी जी, पक्का जी, माशाल्लाह। दानियाल भाई क्या कहते हैं, अब दुरुस्त है जी, पक्का? अच्छा ये आपने बताया कि जबान की नोक और ऊपर नीचे दोनों दांतों के अंदरूनी किनार से, कितने हरूफ अदा होते हैं? तीन। कौन कौन से? जा, एक मिनट रुके, आप बताना चाह रहे हैं? जा, सीन, सौद। जा, सीन, सौद, पक्का? इनको क्या कहते हैं? सफीरिया। उरूफ सफीरिया, ये तो सिफत के लिहाज से, मखरज के लिहाज से, मखरज के लिहाज से। इस्माइल भाई ने भी हाथ खड़ा कर दिया जी। इस्माइल भाई मखरज के लिहाज से, उरूफ असलिया। उरूफ असलिया, सोच लिया आपने, सोच के जवाब दिया, सोच लिया जी जी, सोच लें देख लें। उरूफ असलिया बोल दिया, वो कहते हैं उरूफ सफीरिया। हमारे मोहम्मद हसनैन भाई कहते हैं उर्फ़ सफ़ीरिया, आप कह रहे हैं उर्फ़ असलिया। अब थोड़ा सा तजाद आ रहा है, आ रहा है ना फिदाउर रहमान भाई? अब इसको दानियाल भाई सॉल्व करेंगे, इसकी वजाहत करेंगे। उर्फ़ असलिया, उर्फ़ सफ़ीरिया, किसका जवाब दुरुस्त है बताइए? इस्माइल भाई का जवाब दुरुस्त है। सुबहानअल्लाह। अच्छा ये बताइए, इनका जवाब दुरुस्त है और उनका जवाब दुरुस्त नहीं है? मैं तो कहता हूँ दोनों का जवाब दुरुस्त है। नहीं नहीं नहीं, फिदाउर रहमान भाई कह रहे हैं दोनों का जवाब। चलो फिदाउर रहमान भाई से पूछते हैं, दोनों का जवाब दुरुस्त है, बस नाम अलग अलग है, वो सिफत के लिहाज से और मखरज के लिहाज से अलग अलग नाम है जी। मखरज के लिहाज से और सिफत के लिहाज से। देखें ये भी प्यारे बच्चों और मदी चल के नाज़रीन, आपने याद रखना है कि जो तमाम के मखारिज होते हैं ना, पहले मखारिज के लिहाज से नाम रखे जाते हैं। जैसे हम कहते हैं उरूफ शजरिया, उरूफ शफविया, होठों से अदा होने वाले, वस्त ज़बान, वस्त तालू से अदा होने वाले उरूफ शजरिया, इसी तरह उरूफ लिसविया, लिस्सा ज़बान के ज़बान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होने वाले, मसूड़े के करीब से अदा होने वाले, तो वो मखरज के लिहाज से, ठीक है। और ये असलिया और उर्फ सफीरिया, असलिया मखरज के लिहाज से, तवज्जो है हसनैन भाई, तवज्जो है आपकी, उर्फ असलिया मखरज के लिहाज से। तो पहले हम मखरज को वो करेंगे कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? मखरज को। फिर उसके बाद हम सेकंड पे जाएंगे सिफत की तरफ, और सिफत के लिहाज से होगी क्या? उर्फ सफीरिया। तो दोनों जवाब दुरुस्त हैं, मगर पहले हम क्या कहेंगे? मखरज के लिहाज से। तो मखरज के लिहाज से उर्फ असलिया, असलतुल लिसान, ज़मान की बिल्कुल बारीक नोक से निकलने वाले हरूफ, और वो यही है ज़ा, सीन, सौद। ता दाल तो या सा दाल वो में ज़बान की नोक नहीं, सिराए ज़बान,
क्या लगता है? सिराए ज़बान। याद रहेगा आपको प्यारे बच्चों और मंदी चैनल के नाज़रीन। जी आगे बढ़ते हैं, ये बताइए सीन को कितना हिलाना है, क्योंकि साकिन है, कितना हिलाएंगे, थोड़ा ज़्यादा या और ज़्यादा या नहीं हिलाना? बाइक। जी बाइक। मोहम्मद मन्नान भाई बताइए। बगैर खींचे बगैर झटका दिए पड़ेंगे, मारूफ पड़ेंगे। बाइक। वो तो मगर हिलाने की बात है, थोड़ा हिलाएंगे ज़्यादा? नहीं हिलाएंगे, बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। सोच लें। यस यस तौतीउन। जी हसनैन भाई क्या कह रहे हैं? थोड़ा हिलाएंगे। जानिया भाई हिलाएंगे? हिलाएंगे ही नहीं। हिलाएंगे या नहीं हिलाएंगे, क्या कह रहे हैं? हिलाएंगे ही नहीं। अच्छा हिलाएंगे ही नहीं, अच्छा यानी नहीं हिलाएंगे, बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे, बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। हसनैन भाई नहीं हिलाएंगे, याद रखना है साकिन उर्फ जब तक उर्फ है। अच्छा कब हिलाते हैं ये भी बताए ना। जब तक हुरूफ कलकला नहीं आ जाएंगे। जब तक हुरूफ कलकला नहीं आ जाएंगे तब तक किसी हुरूफ को नहीं लाएंगे, किसी हर्फ को नहीं लाना होता। ये याद रखने वाली बात है प्यारे बच्चों और मदीन चैनल के नाज़रीन। जब तक हुरूफ कलकला है, कलकला वाले हुरूफ हिलते हैं, जैसे अको, अब, अद, अतो और अज। हुरूफ कलकला कितने? पाँच, जिनका मजमू है कुतुबू जद्दिन। तो ये हरूफ आते हैं साकिन हो तो आवाज़ लौट कर आती है, माशाल्लाह। इसके अलावा किसी हर को नहीं हिलना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त। आगे बढ़ते हैं, ता का मखरज बताने जा रहे हैं कौन, जल्दी से। मोहम्मद मन्नान ने हाथ खड़ा किया है, मन्नान भाई बता दीजिए। हाथ खड़ा किया है, सोच रहे हैं। जबान की नोक और ऊपर वाले दांतों की जड़ से अदा हो। जबान की नोक नहीं, अभी बताया था जबान का सिरा। जबान का सिरा और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा, जड़ों से अदा होता है। कितने उर्फ अदा होते हैं ये भी बता दिए। तीन। कौन कौन से? ता, दाल, को। ये यानी ता भी है और तो भी है, दोनों अदा होते हैं और फिर दाल भी है, माशाल्लाह। इनको क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? उर्फ है उसमें तो भी आता है, ये याद रखिए तो भी आता है। जी जल्दी से उरूफ है, साईं बताना चाहें। हसनैन भाई जी उरूफ है लतफिया, नतखिया, लतफिया, नतखिया, ये गलत हो गया, गलत हो गया। जी कौन बताना चाह रहे हैं? सैयद महारी बताना चाह रहे हैं। सैयद महारी बताइए। उरूफ नितईया, उरूफ नितईया, और आपने जवाब दुरुस्त दे दिया, सुभान अल्लाह। तो अभी हमारे मोहम्मद मन्नान भाई आपको याद रहेगा क्या हुरूफ़े? सब मिलकर पढ़ो हुरूफ़े नितईया। मैं दोहराऊं फिर उसके बाद हुरूफ़े नितईया, हुरूफ़े नितईया, माशाल्लाह। हुरूफ़े शजरिया, हुरूफ़े शजरिया, हुरूफ़े लिसविया, हुरूफ़े लिसविया, नितईया याद रहेगा, माशाल्लाह। जी आगे बढ़ते हैं, आगे है तो, तो का मखरज भी यही है या कोई और? यही है, यही है ना, तो आप बता चुके हैं। अच्छा चलें ये बताइए तो में कौन सा ये क्या करेंगे, इसको बारीक पढ़ेंगे पुर पढ़ेंगे, जल्दी बताएं कौन बताएंगे? जी हसनैन भाई बताइए। पुर पढ़ेंगे। पुर पढ़ेंगे, कितना पुर पढ़ेंगे, थोड़ा ज़्यादा? जी आप बता दिए। ज़्यादा पढ़ेंगे। कितना ज़्यादा? एक अलिफ। एक अलिफ, एक अली तो होता नहीं पुर। अच्छा दानियाल भाई आप वजाहत करें। एक्स्ट्रा ज़्यादा। एक्स्ट्रा ज़्यादा यानी ये उर्फ़े मुस्तालिया में से है ना? जी। उर्फ़े मुस्तालिया को मोटा पढ़ते हैं। जी। अच्छा उर्फ़े मुस्तालिया के अलावा कोई और चीज़ आ रही है? उर्फ़े मुतबका। उर्फ़े मुतबका, इतना मुश्किल मुतबका है मन्नान भाई, इतना मोटा सारा मुतबका, ये तो एक्स्ट्रा आ गया ना, कोई नई चीज़ आ गई, नई चीज़ है ना, ऐसा ही है। मगर देखो दानियाल भाई छोटे से हैं, आप सब में छोटे ही होंगे, इनको याद है मुतबका, और इन्होंने ये मदनी चैनल के ज़रिए से ही, हमारे प्रोग्राम के ज़रिए से याद किए हैं, ऐसे ही है, आपने याद कर लिया ना, तो आप आते रहे। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाम से आप भी साथ रहेंगे तो एक वक्त आएगा आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, और आप भी अच्छे अंदाज से उर्फ़ मुस्तालिया भी बताएँगे, उर्फ़ मुतबका भी बताएँगे, उर्फ़ शदीदा महमूसा भी बताएँगे, जी हाँ, और उर्फ़ तफशी किसे कहते हैं वो भी बताएँगे। इसमें आ रहा है अभी तो नहीं आ रहा, और सिफत इस्तेतालत किस में पाई जाती है ये भी बताएँगे, इस्तेतालत वाला हर्फ आखिर में आ रहा है, देखते हैं कौन बताते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं, या साकिन से पहले जेर आ जाए तो या मद्दा, या मद्दा,
हुर्फ मतलब एक अलिफ यानी दो हरकत खींच कर अदा करेंगे ऐन को हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा करते हैं। वाव संग से पहले पेश आ जाए तो वाव मद्दा होगा। नून का मखरज बताएंगे जल्दी से, कौन जल्दी से बताएं? फिदाउर रहमान भाई से पूछते हैं। जी फिदाउर रहमान भाई बताइए। ज़बान का किनारा और अनियाब से सनाया तक के मसूड़ों से। ज़बान का किनारा और अनियाब से सनाया तक के मसूड़े, क्या कहते हैं दानियाल भाई? रहमान भाई का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं। नून को सौत से मिलाना है अगले वाले नून को। पहला तो क्या है, ला यस्ततीउन और नस्रहुम। उनको सौत से मिलाएंगे, सौत को हिलाना नहीं है, सौत को पुर रखना है। बाद बच्चे नस्रहुम सीन बारीक रखते हैं, सौत को बारीक कर देते हैं, बारीक नहीं करना, मोटा रखना है। नस्रहुम रा पर जबर आने की वजह से रा हो जाएगा पुर। मीम साकिन के कायदों में से कायदा मीम साकिन में आ गया है, वाव। जल्दी से बताएं ये कायदा, बताएंगे हमारे सैयद हमजा, बताइए प्यारे बच्चे। जी इदगाम। इदगाम और आपका जवाब गलत हो गया है। इजहारे शफवी। जी इजहारे शफवी से इजहारे शफवी सोच लें। अच्छा हसनैन भाई आप क्या कहते हैं? इजहारे शफवी। जी हमजा का भाई का जवाब दुरुस्त हो गया, इजहारे शफवी। अच्छा क्यों हुआ इजहारे शफवी, आप कैसे याद आया? बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो। किसके बाद प्यारे बच्चे? मीम साकिन के बाद। मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई हर्फ आ जाए तो इजहारे शफवी होता है। जवाब दुरुस्त हो गया आपका माशाल्लाह। वहुम में कौन सा कायदा लगता है? अब तो यहाँ मीम साकिन बाद वाव, तो यहाँ मीम साकिन बाद लाम है। अब बताएंगे कौन? हमारे मोहम्मद मन्नान। यहाँ भी इजहारे शफवी हो रहा। यहाँ पर भी इजहारे शफवी सोच लें प्यारे बच्चे। सोच लिया। क्यों यहाँ इजहारे शफवी? क्योंकि मीम बा और मीम के अलावा कोई हर्फ आ जाए मीम साकिन तो इजहारे शफवी होता है। जी जवाब आपका दुरुस्त है सुभान अल्लाह। और आज मुज़म्मिल भाई जवाब नहीं दे रहे, क्या बात है मुज़म्मिल भाई? आज आप जवाब नहीं दे रहे, खैरियत तो है? याद तैयारी है नहीं है? तैयारी है, अगला आपसे पूछ ले रहे हैं। चले बताइए अब यहाँ मीम साकिन के बाद इजी है ना? चलो सब मिलकर बोलें इजहारे शफी। आगे बताते हैं नून साकिन के कायदों में से ये कौन सा है कायदा, ये बताएंगे मुज़म्मिल भाई। सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना है, सीधा हाथ कौन सा है? फिर नारा लगाते हैं सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना है। सीधा हाथ कौन सा है? सीधा हाथ ये है, ये, 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 ये कौन सा है? उल्टा, उल्टा। लेफ्ट उल्टा। ये कौन सा है? सीधा राइट। सीधा राइट। तो सीधे हाथ से राइट हैंड से लेना है देना है। जी बताइए मुज़म्मिल भाई कौन सा कायदा लगता है, जल्दी से बता दीजिए। इख्फा हो रहा है और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है सुभान अल्लाह। और आगे बताएंगे कौन सा कायदा है जुमदुम, कौन सा कायदा है? साइम भाई आप भी बता दें। इदगाम। सोच लें, सोच लिया कौन सा है इदगाम? इदगाम कौन सा है? माल गुन्ना है, बिला गुन्ना है, इदगाम शफी है, इजहार शफी है, इदगाम क्या है कुछ बताएंगे? माल गुन्ना। इदगाम माल गुन्ना है, जवाब दुरुस्त दे दिया है आपने सुभान अल्लाह। आगे बढ़ते हैं, बताइए मुहदरून में मीम को हा से मिलाएंगे तो हा को नहीं हिलाएंगे या हिलाएंगे? नहीं हिलाएंगे माशाल्लाह। दौद कौन से है? दौद का मखरज भी बताना है, दौद का मखरज जल्दी से बता दीजिए। दौद का मखरज बताइए। दानियाल भाई ने हाथ खड़ा किया है मगर अभी सोच रहे हैं। जबान का किनारा और ऊपर की दाढ़ों की जड़ से। सोच लें जबान का कौन सा किनारा? जी फिदाउर रहमान भाई बताइए। जबान की करवट और ऊपर के दाढ़ों की जड़ों से। जबान की करवट जिसको जबान का बगली किनारा कहते हैं, वैसे किनारा होता है वो भी किनारा ही होता है पीछे वाला, ये बगली किनारा होता है बगल में, मगर किनारा ही कहलाता है ना, मोटा किनारा होता है ये, थोड़ा छोटे किनारों से फिर बहुत ज़्यादा होता है। और जबान का किनारा ऊपर की दाढ़ों की जड़ों से माशाल्लाह। और सिफत इस्तलालत कौन से अरब में पाई जाती है ये कौन बताएगा? सोच लें। सैयद हमजा बताना चाह रहे हैं, बताइए। सौद। सौद में जवाब गलत हो गया है, ऊपर नुक्ता लगा दें। दौद में। दौद में सोच लें, यहाँ दौद ही आ रहा है ना।
صفت دعوت میں صفت استطالت حرف دعوت کے اندر صفت استطالت پائی جاتے ہیں. استطالت کا معنی ہے پیارے بچوں اور مدنی چل کے لائیں طویل ہونا لمبا ہونا, کیونکہ یہ مخرج جو ہے نا اس کا مخرج طویل ہوتا ہے لمبا, یعنی ناجس سے لے کے آخر کی داڑھوں سے لے کے داہک تک. دعوت دعوت جلدی میں ادا کریں دعوت تو غلط ہو جائے گا. دعوت دعوت اب کیا کریں گے اب تو ادا کریں گے محضرون محضرون ماشاء اللہ. واو ساکن پہلے پیش آ جائے, واو مدہ را پر پیشانی کی جائے, زیرہ پور پڑھیں گے اور وف میں کون سا قاعدہ لے گا سب مل کر بولیں مد آریس کی ڈیفینیشن کون سنائیں گے؟ سب نے ہاتھ کھڑا کیا ہے مگر ایک ہاتھ کے علاوہ. جی کون سنائیں گے؟ سب مل کر سنا دیں. دانیال بھائی سب سے آگے جا رہے تھے, دانیال بھائی سب سے مل کر بولنا ہے نا. چلے ایک مرتبہ آرام آرام سے ٹھہر کے جی مد آریس کی ڈیفینیشن سنائیے. جی عرف مدہ کے بعد اگر کوئی حرف عارضی طور پر ساکن ہو جائے, عارضی سکون آ جائے. عارضی سکون کب ہوتا ہے؟ جب اس کو عارضی طور پر ہم وقف میں ساکن کرتے ہیں تو عارضی سکون آ جاتا ہے, تو اس لیے وہاں مد عارض ہو جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو اچھے انداز سے سمجھنے کی سیکھنے کی اور اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. سبحان اللہ. پیارے بچوں اپنے اگلے مرحلے جانے بڑھنے سے پہلے آپ کے کچھ کالز اپنے پروگرام میں شامل کر دیں. جی سن بات کر رہا ہوں, آج میں آپ کو نعت سناؤں گا. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ ما فی قلبی. ماشاء اللہ. نیکسٹ کال. میرا نام نہک بدور ہے, میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں. میں آج آپ کو نعرے سناؤں گی. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی, احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی, آمینہ کلا ڈلا سب سے آخری نبی, شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی, تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی, ہے یقین عائشہ سب سے آخری نبی, سب سے آخری نبی. سبحان اللہ. نیکسٹ کال. میں لاہور سے اسد اللہ بات کر رہا ہوں, آج میں آپ کو نعت سناؤں گا. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. نیکسٹ کال. میرا نام عزت علی ہے, میں ملتان سے بول رہی ہوں. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی. حضرت داؤد علیہ السلام کڈ منی چلن ہمارے مجھے چلن. جی آمین. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. نیکسٹ کال. میرا نام فاطمہ کوثر ہے, آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام. جی آپ کا جواب بھی درست ہے. نیکسٹ کال. میں کسی والا سے سید احمد رضا بات کر رہا ہوں. حضرت داؤد علیہ السلام کے ہینڈ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا. جزاک اللہ خیر. آمین. آپ کا جواب بھی درست ہے. نیکسٹ کال. میرا نام مہک بتول ہے, میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں. قاضی صاحب آخری مرحلہ ہوتا ہے حدر اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا. ماشاء اللہ ہماری پیاری بچی نے بتایا کہ آخری مرحلہ ہوتا ہے حدر اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا, تو ہم حدر اور ترتیل ہی پڑھ لیتے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله
सब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में अच्छे से ले। तो प्यारे बच्चों, अब बढ़ेंगे हम अपने अगले सेक्शन में जाने, इसका नाम है बच्चों की महफिल नाच। प्यारे बच्चों, हमारे सेगमेंट बच्चों की महफिल नाच में आइए हम सैयद महारिब भाई से एक कलाम सुने। जी सैयद महारिब भाई। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या
कुछ कॉल शामिल करते हैं जी। फातिमा तारिया मीन चनाबा से प्यार प्यार सैयद हमदा भाई आप मुझे ये कुरान सुना दे ऐ खत्म ए रसूल मक्की मदनी कौन है न मैं तुम सा कोई नहीं। जी जी सैयद हमदा भाई। ए खत्म ए रसूल ए खत्म ए रसूल
बाद प्यार बच्चों अब बढ़ते हम अपने पहले राउंड की जानिब। इसका नाम है शेर सुनाइए, यह रैपिड फायर राउंड। तो आप दोनों टीम इस राउंड के लिए तैयार हैं? जी। प्यारे भाइयों आइए अपना राउंड शुरू करते हैं। इस राउंड में शेर जो है तर्स में सुना होगा। मरहबा आज चलेंगे शह अबरार के पास, इंशाअल्लाह पहुंच जाएंगे सरकार के पास। जुटी में खूब रो रो के वहां गम का फसाना कहना, गम जदो आओ चलो अहमद मुख्तार के पास। ये शेर तर्स में सुना। के पास बेकारी है खड़ा, आप के दरबार के पास। सुभान अल्लाह। जी की मैं आंख जब गो बदे खसरा करने के लिए कुछ नहीं, बदकार के पास ढेर ऐसी आए सरकार के पास। फाइव फोर थ्री टू ढेरो है सरकार गुनाहगार के पास। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभानअल्लाह। जी जी में मैं गुनाहगार हूँ, गुनाहों के सिवा क्या लाता, नेकियां होती है सरकार निकोकार के पास। ये शेर तर्ज मुस्लिम। मैं गुनाहगार बराबर हो गई हैं। सुभान अल्लाह। आइए अपने प्रोग्राम में एक कॉल शामिल करते हैं। जी मेरा नाम अज़ा तारिया है, मैं मुल्तान से बोल रही हूँ। सैयद हमजा भाई आप मुझे ये वाली पोएम सुना दे। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों शाद हो तुम सारे बच्चों, किस बनी चलन हमारा मजन चलन खैरा। आमीन। जी सैयद हमजा भाई। नन्ने मुन्ने प्यारे बच्चों, नन्ने मुन्ने प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, नन्ने मुन्ने प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, अम्मी अब्बू की आंखों की जगमग जगमग तारे, जगमग जगमग तारे, जगमग जगमग तारे, चिप्सों टोपी ठीक लगी खाओ अपने प्यारे बच्चों, अम्मी जो भी दे वो खाओ।
जिद न करो ए प्यारे बच्चो, खुश में अब को रखो होंगे वारे प्यारे बच्चो। मौला हाजी जी तुमको बनाए तैबा, देखो प्यारे बच्चो मक्का मदीना हाजिर होकर बच्चों को जो मारे बच्चों डरना भिड़ना देखना नहीं है मिल के रहना सारे बच्चों 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 बिल्ली को मारो तड़पेंगे बेचारे बच्चों कीड़ों को बेकार न मारो अच्छे बच्चों प्यारे बच्चों हो जाए मिलके दुआ दो सारे बच्चों। सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। प्यारे बच्चों आइए हम फिदा रहमान भाई से एक कलाम सुनें। जी फिदा रहमान भाई। आसमां गर तेरे तलबों का नजारा Yeah.